हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक स्केच पेन लेंगे। स्केच पेन से हम एक लड़की का स्केच बनाएंगे। तो स्केच बनाने के लिए सबसे पहले हमने लड़की के हेयर बनाए हैं, इसके बाद में उसकी आईज, फिर नोज, फिर लिप्स। अब हम उसके हैंड बनाएंगे, इसके बाद हम उसे ड्रेस पहनाएंगे। तो फिर हमने उसे ड्रेस पहनाया है इस तरीके से। फिर उसके हाथ में एक पोस्टर है, और फिर हमने उसके शूज़ बनाए हैं। बगल में एक लड़का बनाएंगे। लड़के के पहले हमने कैप बनाई है, फिर हेयर बनाया है, अब उसके हैंड को बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक हमारी वीडियो ज़रूर देखिए। फिर हमने लड़के की आईज़ को बनाया है, फिर उसकी नोज़ बनाई है, फिर लिप्स बनाया है। इसके बाद हमने लड़के की ड्रेस पहनाकर शूज़ बना दिए। तो इस तरीके से हमारा स्केच बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। तो कलर फिल करने के लिए हमने सबसे पहले स्किन कलर का यूज़ किया है। इसके बाद हम रेड कलर से लड़की की साड़ी को स्केच करेंगे। इसके बाद हम ब्लू कलर से लड़की के ब्लाउज को कलर कर देंगे और सूच को। फिर इसके बाद हम पिंक कलर से इसकी कैप को, पीछे जो कैप बनाई है उसको कलर करेंगे। और फिर हमने चॉकलेटी ब्राउन से हेयर को कलर किया है। अब हम लड़के को कलर कर रहे हैं। तो लड़के को कलर करने के लिए ऑरेंज कलर से उसके अंदर के कपड़ों को हमने कलर किया है। उसके बाद हमने ऊपर से कोट पहनाया है उससे ग्रीन कलर का। फिर उसके बाद हमने उसको शूज पहनाए हैं, और फिर हमने स्काई ब्लू से पोस्टर को कलर किया है। इस पर हम अब हम इसके बाद में इसमें बड़े बड़े अक्षरों से उत्तराखंड लिखेंगे, और फिर मांगे भू कानून। तो इस तरीके से हमारा पोस्टर पर हमने अब लिख दिया है। इसके बाद हम कुछ घास बनाएंगे। घास बनाने के बाद में हम कुछ मिट्टी बनाकर दिखाएंगे। इस तरीके से हमारा स्केच बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।